हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। विराट कोहली वापस, जी हाँ बिल्कुल, विराट कोहली वापस, रोहित शर्मा एज ए कैप्टन वापस, केएल राहुल बाहर टीम से। मीटिंग में क्या हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अजय तगरकर, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ चाहते थे कि विराट कोहली टीम में वापस आए, लेकिन बीसीसीआई सेलेक्टर्स का एक खेमा, आपको अगर मैं बताऊं तो दो सेलेक्टर्स अजीत अगरकर से पहले भी साउथ अफ्रीका में मौजूद थे, लेकिन बातें बनी नहीं। अब अजीत अगरकर को वहां पहुंचना पड़ा, अजीत अगरकर को जो है वो बातें करनी पड़ी दोनों सीनियर प्लेयर्स से। लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि भाई साहब केएल राहुल का पत्ता कट चुका है। कहाँ से? T20 क्रिकेट से केएल राहुल का पत्ता कट चुका है। शिवम दुबे वापस आए हैं, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार, ऋतुराज बाहर है, शिवम दुबे वापस आए हैं। बीसीसीआई की एक चीज मैं बोल्ड कहूंगा कि उन्होंने केएल को बाहर किया और दुबे को टीम में लिया, क्योंकि हार्दिक पांड्या जब भी रहते थे तो ये शार्दुल को ले लेते थे। तो केएल वापस आए हैं, गुड फॉर केएल, माफ़ करिएगा, शिवम दुबे वापस आए हैं, गुड फॉर शिवम दुबे। और उसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो फास्ट बॉलिंग में सिराज को रेस्ट दिया है, बुमराह को रेस्ट दिया है, समी इंजर्ड ही हैं तो उन्होंने मुकेश के साथ जाना, सही समझा, हर्षदीप भी टीम का हिस्सा है। तो ये टीम जो है वो वेल बैलेंस लग रही है। एक शॉकिंग अगर मैं कहूं तो, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कहीं फिर से जो है सैमसन को नेग्लेक्ट ना कर दिया जाए, लेकिन संजू सैमसन भी विकेट कीपर के रूप में वापस आए हैं। लेकिन अब जो टीम चुनी गई है ना, उसमें मुझे लगता है कि शुभमन गिल की प्लेइंग 11 में जगह बनना कठिन हो गई है। अब एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ऐसे देखें तो भाई कि आपको कप्तान की जरूरत थी, आपके पास रोहित शर्मा थे, तो एक फोर्स रोहित शर्मा, अगर 2022 वर्ल्ड कप के मैं स्टेट्स की बात करूं तो रोहित शर्मा कप्तानी के जो है वो बिहाफ पे खेल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर वो इस बिहाफ पे खेल रहे हैं तो क्या गलत किया है केएल राहुल ने? विराट कोहली हमेशा टीम में आने थे। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि बीसीसीआई ने जो है ना वो विराट और रोहित से मूव ऑन हो गए थे, हार्दिक को बना दिया था, अब हार्दिक इंजर्ड हो गया तो रोहित को बुलाना वापस पड़ा, अब अकेले रोहित को बुलाएंगे तो इनको दिक्कत आएगी इसलिए विराट को बुलाया। भाई विराट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बस्ते में डाली लेके चल पड़े। विराट इज विराट और विराट ने इस देश के लिए इतना किया है तो ये कभी आर्ग्यूमेंट ही नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन सबसे बड़ी बात उन एजेंडा धारकों के मुंह पे ये जोरदार तमाचा है जो कहे जा रहे थे, हमने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, ये है वो है, विराट नहीं आएंगे, लो आ गया थरा फूफा विराट, जोड़ लो उसके सामने हाथ, दिया उसकी सकरात। तो भाई बात ऐसी है कि विराट कोहली आ गए, 11 तारीख से शुरुआत है और अब आप देखना इस सीरीज में भी रिवेन्यू कितना जनरेट होगा। मोहाली में अभी मेरे एक दोस्त ने जो है वो मोहाली की टिकट करा ली, मैच है 11 तारीख को मोहाली में पहला, और वो भी अफगानिस्तान की मैच देखने के लिए। तो आप देख सकते हो विराट इज लेजेंड, विराट इज ग्रेटेस्ट एम्बेसडर ऑफ दिस गेम। अब रिंकू भी टीम में है, तो अब रिंकू और शिवम दुबे दो लेफ्ट हैंडर फिनिशिंग ऑप्शन, फिर रविंद्र जडेजा, तीन लेफ्ट हैंडर जो है वो फिनिशिंग ऑप्शन आपके पास है। और भाई साहब ये सीरीज में है ना आपको लेके आना ही था, क्योंकि अब ज्यादा वेट नहीं कर सकते, आपके पास गिनती के 8 रनों T20 बचे हैं वर्ल्ड कप से पहले। अगर आप कहो IPL यार IPL इज डिफरेंट थिंग, हाँ BCCI ने कहा है कि हम जो है वो 30-40 प्लेयर्स को मॉनिटर करेंगे IPL के दौरान, लेकिन ये तो ODI वर्ल्ड कप के पहले भी कहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट तक इन्होंने प्लेयर चेंज किए ना, तो उस बात को छोड़ो, जो अभी है उस पे फोकस करो। विराट कोहली की वापसी एक बड़ा थम्सअप है टीम इंडिया के लिए, और विराट कोहली 14 महीने के बाद वापस आए हैं, इसमें मैं खुश हूँ, आप लोग खुश हैं तो कमेंट करके बताएं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और भाई सब्सक्राइब करो यार, आज कल लाइव नहीं जुड़ पा रहा लेकिन कल पक्का आप लोगों से शाम को लाइव जुड़ेंगे और इसी मुद्दे पे बात करेंगे। टीम जैसे यही मैंने आप लोगों के लिए वीडियो जो बना दी है, आप लोग इस टीम से खुश हैं या नहीं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों से भी कराओ, परिवार से भी कराओ और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।